Okay, so in today's class we are going to start with the fluid connective tissue, right? Fluid connective tissue क्या होता है? पहली बात तो ये वर्ड से आपको इतना समझ में आ जाएगा कि फ्लूइड मतलब कि हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड्स की, किसकी बात करेंगे? फ्लूइड मतलब लिक्विड, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड वन, राइट? फ्लूइड मीन्स वट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लिक्विड वन, राइट? तो हमारी बॉडी में ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड से बना हुआ है, राइट? जिसमें एक आएगा ब्लड, द फर्स्ट वन विल इंक्लूड ब्लड एंड द सेकेंड वन विल बी द लिम्फ वन। दैट मीन्स हमारी बॉडी में ऐसे दो अलग अलग टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में है, राइट? एक है ब्लड एंड द सेकेंड वन विल बी द लिम्फ वन, राइट? सो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। सो आप हेडिंग लगा दीजिए ब्लड, आपका मेजर हेडिंग है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम एक ब्लड और एक लिम्फ दोनों की सेपरेटली बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लड। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। यहाँ ई भी प्रेजेंट है और ए भी प्रेजेंट है, मेक श्योर आप उस हिसाब से क्वेश्चन करें, ए एंड ई। सो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड क्या कह रहा है कि ब्लड इज 8% ऑफ द डे वेट, सॉरी बॉडी वेट। ब्लड इज 8% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है, राइट, टोटल वेट है उसका 8% जितना भी वेट आएगा वो किसका वेट है? ब्लड का वेट है। यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में 4 liters इन अ पर्सन ऑफ 50 kg। अगर किसी पर्सन का नॉर्मल वैल्यू ये है 50 kg वेट है तो उसके अंदर 4 liter ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की है यहाँ पर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 7 to 8 एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब ATM। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 7 to 8 ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट है, और pH की जो वैल्यू है दैट इज 7.4। ब्लड की pH कितनी है? 7.4। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स इट्स स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली ये अल्कलाइन पोजिशन में आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 1.003, स्लाइटली हैवियर देन वाटर। ब्लड जो है वाटर के मुकाबले स्लाइटली हैवी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 है। अब भाई वाटर से स्लाइटली हैवी क्यों है, रीजन क्या है? तो रीजन एक तो ये कि ब्लड के अंदर वाटर तो प्रेजेंट है, साथ में प्लाज्मा प्रेजेंट है, साथ साथ उसमें ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है। तो इन ब्लड सेल्स की वजह से उसका जो वेट है ना वाटर के मुकाबले स्लाइटली हैवियर है। नेक्स्ट क्या बात की है? विस्कोसिटी की। कितनी है? 3 to 5 टाइम्स देन दी वाटर। वाटर के मुकाबले इसकी विस्कोसिटी जो है 3 to 5 टाइम्स ज्यादा है, विस्कस है, क्योंकि इसके अंदर वाटर में कुछ नहीं है, इसके अंदर वाटर के साथ साथ ब्लड सेल भी प्रेजेंट है। देखो लास्ट पॉइंट लिखा है कि ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा फॉर्म्ड ब्लड एलिमेंट, दैट मींस ब्लड सेल्स फॉर्म ब्लड एलिमेंट, मतलब कि यहाँ बात हो रही है ब्लड सेल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड सेल्स की। तो ये हो गया ओवरव्यू, हो गया ब्लड का। अब हम बात करते हैं ब्लड के अंदर जो स्पेसिफिक चीजें हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट सबसे पहले जो हम चीज की बात करेंगे दैट विल बी द प्लाज्मा, राइट? सबसे पहले बात करेंगे हम प्लाज्मा की। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रेजेंट होता है? 55% ऑफ द ब्लड टोटल है, जितना ब्लड बॉडी में प्रेजेंट है उसमें 55%, कितनी बात कर रहा हूँ मैं, 55% ब्लड की बात कर रहा हूँ जिसमें क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा प्रेजेंट है। उस ब्लड में 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा इट कंसिस्ट ऑफ 7 to 8% प्रोटीन्स, 2 to 3% सोल्ट, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड 90% ऑफ वाटर। कीप इन माइंड प्लाज्मा में 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट है। कितना? 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट है एंड रिमेनिंग पोर्शन जो है उसमें प्रोटीन्स, सोल्ट, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नाउ द प्रोटीन्स मेनली इंक्लूड्स एल्ब्यूमिन। अब प्रोटीन्स बताया यहाँ पर भाई 7 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इट विल इंक्लूड एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन
एंड फिब्रिनोजन। कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है? तीन मेजर प्रोटीन प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन एंड फिब्रिनोजन। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। सो एल्ब्यूमिन इज द मैक्सिमम प्रोटीन इन द प्लाज्मा। मैक्सिमम कितनी वैल्यू दी है? 3 to 4%। टोटल प्रोटीन की वैल्यू है 7 to 8%, उसके अंदर 3 to 4% तो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। सो एल्ब्यूमिन इज द मैक्सिमम प्रोटीन इन द प्लाज्मा बट हैज मिनिमम मोलिकुलर वेट। अमाउंट ज्यादा है बच्चों, लेकिन मोलिकुलर वेट इसका कम है। इट मेंटेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ये क्या मेंशन कर जो मेंटेन करता है? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन करता है। सेकेंड बात करते हैं ग्लोबिन की। तो ग्लोबिन जो है इट विल प्रेजेंट स्पेसिफिकली ब्लड में है। प्रोटीन जो है इट कैन बी अल्फा, बीटा एंड गामा। तीन अलग अलग टाइप है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबिन। सो ग्लोबिन आर ऑफ थ्री टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा टाइप। इट मेक्स 2 to 3% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बना रहा है ये? 2 to 3% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ कितनी वैल्यू है एल्ब्यूमिन की? 3 to 4%, दैट इज द मैक्सिमम वन। ग्लोबिन जो है उसकी वैल्यू है 2 to 3% प्लाज्मा में। एंड दे अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन बाइंड विद द हॉर्मोन टू ट्रांसपोर्ट द देम। अब अल्फा और बीटा को ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? केमिकल्स की, केमिकल स्ट्रक्चर की, दैट इज द हॉर्मोन। तो हॉर्मोन के साथ वो बाइंड होते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। और द गामा की बात करें सो इट विल फॉर्म व्हाट? एंटीबॉडी। वाई शेप का होता है, किस शेप का होता है? वाई, एंड इट विल फॉर्म व्हाट? एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। ये हो गया ग्लोबिन। और फिब्रिनोजन है सबसे कम अमाउंट में, 0.3% है, एंड इट विल हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। उसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। फंक्शन कहाँ है? ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड जम जाता है ना, फ्रीज हो जाता है, उसमें वो हेल्प करता है। कौन? फिब्रिनोजन। तो ये हो गया एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन एंड फिब्रिनोजन, तीन प्रोटीन हो गए। ओके, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। फिब्रिनोजन हमने बता दिया, तीनों प्रोटीन के, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे आगे। सो रिमेनिंग 2 to 3%, देखो यहां पर आप देखेंगे प्रोटीन में 3 to 4% एल्ब्यूमिन हो गया, 2 to 3% ग्लोबिन हो गया, एंड 0.3% फिब्रिनोजन हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 6% के आसपास हो जाता है, 6-7। तो जो रिमेनिंग 2 to 3% है, 2 to 3% बच गया। सो रिमेनिंग 2 to 3% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स व्हाट? सोल्ट, हॉर्मोन, डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स। तो ये जो मेजर अमाउंट है, हॉर्मोन ले लो आप, सोल्ट ले लो, राइट, या फिर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जिसमें अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ले लो, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ले लो, ये सारी चीज़ें जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, हिपो यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उस 2 to 3% में प्रेजेंट है। इट ऑल्सो कंटेन्स बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है एक बाइल पिगमेंट है येलो कलर का, विच इम्पार्ट्स येलो इस कलर टू द प्लाज्मा। ये प्लाज्मा को कौन सा कलर देता है बच्चों? बच्चों येलो कलर देता है बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन जो है किडनी में फिल्टरिंग के टाइम पे, जब ब्लड किडनी में फिल्टर होने के लिए जाता है, तो जब ब्लड किडनी में फिल्टर हो रहा है, एट दैट टाइम अगर बिलीरुबिन फिल्टर होकर किडनी में चला गया, तो यूरिन जो है वो येलोइश कलर का होगा, क्योंकि बिलीरुबिन क्या कलर करता है? येलोइश कलर करता है, राइट, क्लियर। अब देखो कुछ नॉर्मल वैल्यूज यहाँ पर मेंशन की है कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा की, कि भाई इतनी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की बात की है, सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली 100 mg/100 ml, यानी कि अगर आप ब्लड प्लाज्मा लो 100 ml, तो उस 100 ml ब्लड प्लाज्मा में 100 mg ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है। 120 to 220 mg क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। बिलीरुबिन कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 0.5 mg, देखो 1 mg पर भी नहीं है, बहुत कम है, 0.5 mg होना चाहिए 100 ml पे, जबकि यूरिया जो है वो होना चाहिए 20 to 30 mg/100 ml। नोट करिएगा ये, ठीक है, ये आपको नोट करना है चीज़ों को। ग्लूकोज कितना है? 100 mg, कोलेस्ट्रॉल 120 to 220 mg, बिलीरुबिन 0.5 mg, यूरिया 20 to 30 mg होगा। वैल्यू पर 100 ग्राम की, ये सब की वैल्यू कौन सी है? पर 100 ग्राम के आसपास की वैल्यू है, क्लियर।
चलो आगे बढ़ो। देखो ये मेजर कंपोनेंट के हिसाब से बात करेंगे। ब्लड मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% और रिमेनिंग 45% जो है दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें हम आरबीसी इंक्लूड करते हैं दैट इज रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी इंक्लूड करेंगे दैट इज व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट इंक्लूड करेंगे। ठीक है ओके। सबसे पहले इसके अंदर जो हम बात करेंगे दैट विल बी दी ब्लड एलिमेंट। प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया, हमने प्लाज्मा के बारे में अभी बात कर ली है। ठीक है अब हम बात करते हैं ब्लड एलिमेंट के बारे में। ठीक है ब्लड एलिमेंट्स या फिर फॉर्म एलिमेंट, सो दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 45% ऑफ द ब्लड, जिसमें हमने इंक्लूड क्या क्या किया है आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो इट मेड अप ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर इंडिविजुअल सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और उसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है नंबर ऑफ आरबीसी इन मेल्स, मेल्स में नंबर ऑफ आरबीसी कितने होते हैं और फीमेल में कितने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट करिएगा। तो मेल्स में ये होते हैं 5.0 से लेकर 5.5 मिलियन। कितने हैं एक बार फिर से, 5.0 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब, जबकि ये फीमेल्स में होते हैं 4.5 से 5.0 मिलियन पर एमएम क्यूब। एक एमएम क्यूब की वैल्यू दी है ये, फीमेल्स की है 4.5 से 5 मिलियन, मेल की है 5 से लेकर 5.5 की मिलियन की है। ठीक है अब दो डिजीज की बात करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी की जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी राइट, तो उसको कहते हैं पॉलीसिथेमिया। नोट करिएगा क्या कहते हैं कंडीशन को, पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी के नंबर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाते हैं। ठीक है नॉर्मल वैल्यू यहां पर मेंशन की है मेल और फीमेल दोनों। ठीक नेक्स्ट, इट अकर्स एट द हायर एल्टीट्यूड। अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो आरबीसी के नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है तो ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है आरबीसी में, तो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जितने नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ेंगे उस हिसाब से क्या क्या बढ़ना चाहिए, आरबीसी की वैल्यू भी बढ़ेगी वहां पर। क्लियर है ओके। ये हो गया इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो गया तो, अगर अमाउंट जो है आरबीसी का डिक्रीज हो गया तो, सो डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी और अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज इरिथ्रोपोनिया, कहते हैं इरिथ्रोपेनिया या फिर एनीमिया, दूसरा नाम है एनीमिया। दो कंडीशन, पॉलीसिथेमिया दैट इज इंक्रीज इन नंबर, इरिथ्रोपेनिया या फिर एनीमिया दैट इज डिक्रीज इन नंबर। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक प्रोसेस की, प्रोसेस का नाम है इरिथ्रोपोइसिस। प्रोसेस इज इरिथ्रोपोइसिस, सो इन सिंपल लैंग्वेज इट्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। Production of RBC is known as erythropoiesis. In fetus, it occurs in yolk sac, that is the early life. Fetus में जब yolk बनता है ना, तो उस yolk sac में ही ये बन जाता है। yolk sac जो है, उसी के अंदर RBC production शुरू हो जाता है। Right? Liver की बात करते हैं फिर। Liver, that is in the middle of the fetus. And bone marrow, that is in the last stage of the fetal development. एक बच्चा जब womb में prepare हो रहा है, बन रहा है, तो फीटस में जब वो अर्ली लाइफ में है तब योक शेक में बनता है आरबीसी, मिडल फीटल लाइफ में आता है तब लीवर में आरबीसी बनता है, और जब वो फीटल डेवलपमेंट में आ जाता है उसके आखिरी स्टेज में, लास्ट स्टेज में, बेबी ऑलमोस्ट बन गया है राइट, नाइन्थ मंथ के आसपास है राइट, एट दैट टाइम बोन मेरो में आरबीसी बनना शुरू हो जाता है। क्लियर द योक, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा है, कह रहा है कि द योक एंड लीवर एंड बोन मेरा, कौन कौन, योक शेक लीवर एंड बोन मैरो, देयरफॉर दे आर नोन एज इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। मतलब कि वो ब्लड सेल्स को बनने में हेल्प कर रहे हैं, खास करके आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स को, यानी कि उसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। इन अर्ली चाइल्डहुड द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो,
ऑफ ऑल द बॉन्स. अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, बचपन की बात करते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं, एट दैट टाइम जो है बोन मेरो में सारे आरबीसी बनते हैं, और बोन मेरो जो है पूरा बॉडी के बोन्स की बात हो रही है यहाँ पर. इन अर्ली चाइल्डहुड द आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मेरो ऑफ ऑल द बोन्स बट एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि जब डेवलपमेंट बॉडी का हो जाता है कंप्लीट, एडोलेसेंस पीरियड खत्म होता है, एट दैट टाइम दे आर प्रोड्यूस ओनली इन स्टर्नम. कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? स्टर्नम, दैट इज द ब्रेस्ट बोन. उसको क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन. अपार्ट फ्रॉम दैट रिब्स, क्या है, नेक्स्ट इज रिब्स, देन कम्स वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, देन कम्स इलियम बोन्स, दैट इज द हिप ग्रिडल जो है. हिप जो ग्रिडल है, हिप ग्रिडल जो है उसका इलियम बोन से वो भी इंक्लूड होता है. तो एक हो गया स्टर्नम, दैट इज द ब्रेस्ट बोन, रिब्स, वर्टिब्रल एंड इलियम, इन चार अलग अलग बोन में ही बोन मेरो के अंदर आरबीसी बनता है जब वो पर्सन 20 ईयर्स का हो जाता है एज में. ठीक है, द लॉन्गर बोन्स दे आर मीट फॉर द सपोर्ट ओनली एज दे कंटेन इनएक्टिव येलो बोन मेरो. येलो कलर का बोन मेरो मतलब कि फैटी बोन मेरो. अब देखो जो लॉन्गेस्ट बोन है वो सपोर्ट करता है, अब वो सपोर्ट का फंक्शन कर रहा है तो उसके अंदर इनएक्टिव बोन मेरो प्रेजेंट है येलो कलर का, दैट इज फैटी, मतलब कि वो बोन मेरो जो है वो आरबीसी नहीं बनाता है. क्लियर है? ब्लड सेल बनाने में हेल्प नहीं करता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इज स्टिम्युलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ऑफ द किडनी. किडनी में से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, और ये एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को फास्ट करता है. तो किडनी का रोल हो गया ना आरबीसी बनाने में. क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या किडनी आरबीसी बनाने में हेल्प करती है? यस करती है. किसकी हेल्प लेकर, किस तरीके से करती है? भाई वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, और उसकी मदद से ये प्रोसेस जो एरिथ्रोपोइसिस है फास्टर हो जाती है. राइट, क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दैट किडनी इसके साथ साथ विटामिंस सिक्रेट करती है. विटामिंस में कौन सा विटामिंस यहाँ पर इंक्लूड किया है? फॉलिक एसिड एंड B12, बीटा कॉम्प्लेक्स का है ये. बी कॉम्प्लेक्स का फॉलिक एसिड एंड B12 नाम के दो हार्मोन, सॉरी विटामिंस भी ये सिक्रेट करती है, और इनके साथ मिलके ये क्या प्रोड्यूस करती है? एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस से आरबीसी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. द मदर सेल्स ऑफ आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोब्लास्ट. मदर सेल यानी कि जिसमें से आरबीसी बनता है कौन है? वो न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोब्लास्ट. अब यहां पर न्यूक्लिएटेड क्यों लिखा है? क्योंकि जब एडल्ट स्टेज में आ जाता है, एरिथ्रोसाइट बड़ा हो जाता है, तब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. कीप इन माइंड, मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. फॉलोइंग इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस, जो रिप्रेजेंटेशन है, एरिथ्रोब्लास्ट दैट इज द मदर सेल्स न्यूक्लिएटेड आरबीसी, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस नॉर्मोब्लास्ट. नॉर्मोब्लास्ट क्या है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी. धीरे धीरे वो यंग आरबीसी में कन्वर्ट होता है, दैट इज द रेटिकुलोसाइट्स, और ये रेटिकुलोसाइट जब मैच्योर हो जाता है दैट इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, और उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. क्लियर हो गया ये चीज? एरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू रेटिकुलोसाइट्स, एंड दिस रेटिकुलोसाइट्स इज कन्वर्टेड इनटू एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोसाइट दैट इज द मैच्योर आरबीसी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेमल्स की बात करते हैं. मेमल्स के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि जो मैच्योर होते हैं उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, ई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं. सर्क्युलर शेप में होते हैं और बाइकॉनकेव होते हैं. शेप सर्क्युलर एंड बाइकॉनकेव है. केमल्स की बात करते हैं. इन केमल्स एंड लामा द आरबीसी आर हाउएवर ओवल एंड बाइकॉनकेव. ओवल शेप है एंड बाइकॉनकेव है, सॉरी कॉनवेक्स है. बाई कॉनवेक्स होते हैं और ओवेल होते हैं, जबकि मेमल्स की बात करें तो ये सर्क्युलर एंड बाई कॉनकेव है. इन लोअर वर्टिब्रेट्स जैसे कि फ्रॉग हो गया, जिसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं. अमोंगस्ट द मेमल्स द आरबीसी आर स्मॉलेस्ट इन द मस्क डियर. मस्क डियर नाम के एनिमल्स के अंदर सबसे छोटे आरबीसी देखने को मिलते हैं दूसरे एनिमल के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो. राइट, the enucleated condition of mammalian RBC is advantageous for the
किसके लिए बेनिफिशियल, किसके लिए अकोमोडेटिंग ऑफ मोर हीमोग्लोबिन। देखो अगर एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन हमें मैक्सिमम इंक्लूड करने हैं तो उसमें आप देखेंगे तो काफी ऐसी चीजें हैं जो प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि कुछ कुछ ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहेंगी और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा तो उस न्यूक्लियस की जो स्पेस है वहां पर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये सिंगल हीमोग्लोबिन फोर न्यूक्लियस सॉरी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। जब हीमोग्लोबिन के साथ चार अलग अलग ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यह है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके साथ अगर चार अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं देन इट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर इस सेम हीमोग्लोबिन के साथ अगर चार अलग अलग कार्बन मोनोक्साइड कंबाइन हो जाते हैं CO तो उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये अटैचमेंट लूज नहीं, स्ट्रोंग होता है। ये हीमोग्लोबिन जिसके साथ कार्बन मोनोक्साइड कंबाइन है वो फ्यूचर में काम नहीं आता है, एक टाइप का टॉक्सिन है कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। ओके आगे बढ़ो। द बाई कॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी सूटेबल फॉर द फास्टर सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फास्टर सेचुरेशन के लिए उसका शेप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द साइज ऑफ हीमोग्लोबिन सॉरी द साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी दैट इज रेंजेस फ्रॉम 7 to 8 माइक्रोन इन डायमीटर। साइज क्या है नोट करिएगा, द साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी रेंज फ्रॉम 7 to 8 माइक्रोन इन डायमीटर एंड इज अप्रोक्सीमेटली 2 माइक्रोन इन थिकनेस। आरबीसी थिकनेस में कितना है? 2 माइक्रोन अप्रोक्स वैल्यू है। और रेंज कितनी है उसकी डायमीटर में? 7 to 8 माइक्रोन। ER दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये ऑर्गेनल्स जो है एब्सेंट है। जैसे मैंने अभी बोला था ना कुछ ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहती है ताकि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन को वो अटैच कर सके अपने साथ। तो कौन कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसी द एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रेब साइकिल कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। सो द आरबीसी देयरफॉर रेस्पायर अनएरोबिकली एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वेरी फैटली। अगर वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो बच्चों ये ऑक्सीजन खुद यूज कर लेता। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है ना, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन लेके जाता है, राइट। और ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, और अगर आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो ये ऑक्सीजन वहीं पे यूटिलाइज हो जाता है। तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसीलिए वो इजीली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यूटिलाइज नहीं होगा, राइट। इन स्लो मूविंग ब्लड द आरबीसीज पाइल अप, आरबीसीज पाइल अप ड्यू टू सरफेस टेंशन जस्ट लाइक द पाइल ऑफ द कॉइंस, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाना। सो दिस इज नोन एज रोलेक्स फिनोमिना। मार्क करिए व्हाट इज रोलेक्स फिनोमिना, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी इन देयर अपसाइड अपसाइड डायरेक्शन। पाइल अप कहते हैं सिक्कों की जो एक थप्पी जैसा बन जाता है ना, स्टॉक लाइक एक के ऊपर है लाइक दैट्स वे, स्लो मोशन की वजह से ऐसा हो जाता है, उसको कहते हैं रोलेक्स फिनोमिना। नेक्स्ट क्या लिखा है? द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी इज इक्विवेलेंट टू 0.8 to 0.9% NaCl सॉल्यूशन। भाई एक NaCl का सॉल्यूशन है 0.8 to 0.9% NaCl सॉल्यूशन है, मतलब यहां बात कर रहे हैं हम आइसोटोनिक कंडीशन। ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन जो है उसका आरबीसी का प्रोटोप्लाज्म का वो इक्विवेलेंट होता है किसके? NaCl के सॉल्यूशन के बराबर, आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं, राइट, इक्वल अमाउंट में, राइट। सो नाउ If RBC are placed in the hypotonic solution का मतलब क्या होता है? Hypotonic solution का मतलब क्या होता है? With osmotic concentration that is the less than 0.8% NaCl solution, कम है, hypo मतलब कम, the RBC will swell up,
ड्यू टू द एंडोसमोसिस। एंडोसमोसिस का मतलब क्या है समझ लिया? एंडोसमोसिस का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट सेल के बाहर है, जो भी कंटेंट सेल के बाहर है ना, लिक्विड कंटेंट, वो धीरे धीरे करके सेल के अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे करके कहां चला जाएगा? सेल के अंदर। उसको कहते हैं एंडोसमोसिस। दूसरा आता है, उसके ऑपोजिट वर्ड है एक्सोसमोसिस। एक्सो का मतलब बाहर जाना, तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड कंटेंट है वो धीरे धीरे करके सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है कि भाई आरबीसी को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, ठीक है, आपने वो ग्रेप्स वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक तीन टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ हाइपोटोनिक है तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर का ज्यादा है, तो हाई टू लो मूवमेंट होगी, तो बाहर का कंसंट्रेशन अंदर की ओर चला जाएगा और उसकी वजह से आरबीसी जो है वो स्वेलअप हो जाएगा, राइट। इफ द सोल्यूट कंसेंट्रेशन इज वेरी लो और इफ आरबीसी आर प्लेस्ड इन द डिस्टिल वाटर दे बस्ट, डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो बस्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर का सारा वाटर जो है ना, बाहर का सारा अंदर जाएगा, आरबीसी फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा एंड वी बस्ट, फट जाएगा, राइट। दिस रप्चरिंग ऑफ आरबीसी टू रिलीज हीमोग्लोबिन इज नोन एज हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस किसको कहते हैं? आरबीसी को तोड़ देना और उसके अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है वो बाहर आ जाना, राइट। कैसे रप्चर होते हैं? आरबीसी को डिस्टिल वाटर में रख दो, प्योर वाटर में रख दो, वाटर का जो मूवमेंट है पूरा इनसाइड होगा, उसकी वजह से धीरे धीरे स्वेलअप होगा, स्वेलअप होगा, स्वेलअप होगा एंड एट द एंड फट जाएंगे, जैसे गुब्बारा, बलून, कैसे आप एयर भरो उसमें, हवा भरो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा, एक्सेस अमाउंट में जब एयर हो जाएगी तब, राइट। क्या कहते हैं उसको? हीमोलाइसिस या फिर लैकिंग ऑफ आरबीसी, ठीक है। द श्रिंकेज ऑफ आरबीसी ऑल्सो अकर्स वेन वी प्लेस द आरबीसी इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसेंट्रेशन अंदर की साइड पे क्या है, ज्यादा है और बाहर कम है, मूवमेंट इज फ्रॉम हाई टू लो, राइट, दैट इज नोन एज क्रिनेशन। क्या कहते हैं उसको? क्रिनेशन। तो अगर हम हाइपरटोनिक में रखेंगे आरबीसी को तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, लाइक रेजिन्स, राइट। क्या प्रोसेस को कहते हैं? क्रिनेशन। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 120 डेज, यानी कि 4 मंथ। 4 मंथ के बाद वो आरबीसी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरे सेल्स लाइक मैक्रोफेजिस उसको कंप्लीटली खा जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस स्प्लीन में होती है और लिवर में होती है। सो द वार्म आउट WBC आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लिवर, मतलब 120 दिन के बाद वो आरबीसी चला जाएगा स्प्लीन में या फिर लिवर में और फिर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड कहते हैं आरबीसी का। यहाँ पर आरबीसी को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है, ग्रेवयार्ड, टाइप ऑफ गैरेज लाइक, राइट। क्लियर हो गया? कंपोजिशन क्या है आरबीसी की? कंपोजिशन की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन आरबीसी इज वेरी लिटल। साइटोप्लाज्म का अमाउंट कितना है? बहुत कम है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम है। द मेन कंपोनेंट ऑफ आरबीसी डेट इज हीमोग्लोबिन, ये आपको पता है, याद रखना है, नोट करके रखिएगा भाई। आरबीसी के अंदर सब कुछ कम है लेकिन जो ज्यादा मैक्सिमम है वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। सो द हीमोग्लोबिन इज द कंजुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कंजुगेटेड प्रोटीन है कंटेनिंग प्रोटीन, दैट इज द ग्लोबिन प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? एक प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको कहते हैं ग्लोबिन प्रोटीन एंड नॉन ही प्रोटीन एंड अ नॉन प्रोटीन पिगमेंट, दैट इज हीम। दो चीज प्रेजेंट है, एक प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है। प्रोटीन पार्ट को कहते हैं ग्लोबिन, नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं हीम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? अप्रोक्सीमेटली 67,000 डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? अप्रोक्सीमेटली 67,000 डाल्टन, राइट। द हीम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन ऑफ द मसल सेल्स एंड साइटोक्रोम ऑफ साइटोक्रोम सी एंजाइम्स, साइटोक्रोम सी एंजाइम ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन में बहुत ज्यादा एंजाइम्स आए थे, राइट, उसके अंदर जो साइटोक्रोम सी है, राइट, उसके अंदर भी हीम प्रेजेंट है और मायोग्लोबिन मसल का है उसके अंदर भी हीम ग्रुप प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन फॉर्म्स 34% ऑफ वेट आरबीसी। WET है, दो टाइप के वेट होते हैं, एक होता है वेट वेट और दूसरा होता है ड्राई वेट। तो ड्राई वेट कितना है? 90%। आरबीसी का जो ड्राई वेट है दैट इज 90%,
जबकि वेट वेट जो है वो है 34%। क्लियर है गया? हीमोग्लोबिन फॉर्म्स 34% ऑफ वेट आरबीसी एंड 90% ऑफ ड्राई आरबीसी बाय वेट, वेट की अकॉर्डिंग, राइट। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। नोट करिएगा, 100 ml अगर आप ब्लड लेते हो तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम जितना होता है, यानी कि 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। कैलकुलेट करिए, अप्रोक्सीमेटली 750 ग्राम आएगा। नोट करके रखिएगा भाई, बॉडी में 5 लीटर का जो ब्लड है उसमें 750 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्लियर? अभी कैसे बनता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंटेनिंग 4 हीम ग्रुप्स एंड 1 ग्लोबिन प्रोटीन, राइट। 4 हीम्स है और 1 ग्लोबिन है। ईच हीम इज फॉर्म्ड बाय 1 पोरफायरिन रिंग एंड 1 आयरन रिंग। हर एक हीम ग्रुप की अगर हम बात करें तो हर एक हीम ग्रुप जो है वो एक पोरफायरिन रिंग और एक आयरन से बनता है, आयरन एटम से। कौन सा आयरन? Fe+2, फेरस कहते हैं इसको, ठीक है। नाउ दिस वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन देयरफॉर कंटेन 4 Fe+2 एंड कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे बनता है देखिए ध्यान से, यहां पर ग्लोबिन प्रोटीन के साथ 4 हीम ग्रुप अटैच है। 1 हीम इज इक्वल टू 1 पोरफायरिन रिंग प्लस 1 Fe+2। सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पोरफायरिन चेन, 4 अलग अलग पोरफायरिन की चेन आपको देखने को मिलेगी। 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, 2 अल्फा चेन होगी इसमें, 2 बीटा चेन होगी। एंड ईच अल्फा चेन हैज 141 अमाइनो एसिड एंड बीटा चेन इज हैविंग 146 अमाइनो एसिड। पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर भी बना दीजिए, 1 हीम इज इक्वल टू 1 पोरफायरिन प्लस 1 Fe+2 आयरन, फेरस आयरन। और हर एक ग्लोबिन की बात करें तो इट कंसिस्ट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा है। हर एक अल्फा में 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और बीटा में 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट कंडीशन इज नोन एज एनेमिया, ये भी लिखिएगा। अगर हीमोग्लोबिन के अमाउंट नंबर कम होते हैं तो उसको कहते हैं एनेमिया कंडीशन। क्लियर है? यहां एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट दिया है क्लोरोफिल का है। इन क्लोरोफिल दिस वन द पोरफायरिन इज अटैच्ड टू Mg+2 आयन। पोरफायरिन रिंग किसके साथ अटैच होती है? Mg+2 के साथ, Fe2 के साथ नहीं। वरना आप देख लीजिए Fe2 के साथ ही पोरफायरिन रिंग अटैच होती है, लेकिन क्लोरोफिल में ऐसा नहीं है। प्लांट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें Mg+2 अटैच होता है Fe+2 की जगह। द टर्म हीम देयरफॉर कैन नॉट बी यूज फॉर द पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, इसलिए वहां पर हम हीम ये वर्ड यूज नहीं कर रहे। दूसरा है लेग हीमोग्लोबिन के बारे में मेंशन किया, कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर ये आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। लेग हीमोग्लोबिन क्या है? डिफरेंट फॉर्म अबाउ हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम्स। लेग्यूम प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, तो इसी से लेग वर्ड आया है, लेग हीमोग्लोबिन। द ग्लोबिन पार्ट ऑफ इट इज सरप्राइजिंगली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट व्हाइल हीम इज सिंथेसाइज्ड बाय द राइजोबियम। देखो, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हीम पार्ट बनाता है और रूट जो है वो बनाता है ग्लोबिन पार्ट, और इस तरीके से पूरा बनता है हीमोग्लोबिन। द लेग हीमोग्लोबिन लाइक एनिमल्स हीमोग्लोबिन हैज हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड दस प्रोटेक्ट द एंजाइम नाइट्रोजिनेस। हाई अफिनिटी ऑक्सीजन के सामने है, इसलिए वो नाइट्रोजिनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है, जो विच अदरवाइज विल बी इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नाइट्रोजिनस इनएक्टिवेट हो जाएगा। नाइट्रोजिनस क्या काम करता है? दिस नाइट्रोजिनस एंजाइम इट लेग्यूमिनस इट विल हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? नाइट्रोजिनस एंजाइम। और ये नाइट्रोजिनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है
कौन? हीमोग्लोबिन। कौन सा? लेग हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लोबिन जो है वो प्लांट के रूट बनाते हैं, और जो हीम है वो राइजोबियम बनाता है, और वो ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनस एंजाइम। चीजें क्लियर है आपको? कोई डाउट नहीं है ना इसमें?